है आपका हमारे YouTube चैनल कश्यप एडुकेयर में। मैं कमल आपका दोस्त फिर से 30 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसे आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और देखना है आप लोग कितना अधिक से अधिक इसमें मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही लाभदायक आपके लिए होने वाला है। इसमें बहुत सारे विषयों से सभी में से थोड़े थोड़े प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व, देसी रियासतों को विशेषाधिकार, द्वैध शासन का पुनरावलोकन। दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व। अब अगला प्रश्न, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ तेलंगाना में, विदर्भ में, मालाबार में या मराठवाड़ा में। दोस्तों, मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतया किस नाम से जाना जाता है, जल, ओजोन, जंग या भारी जल। तो दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन और फंगल। इसका जवाब होगा डी, दाद है फंगल बीमारी। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, वृद्धि, कमी, स्थिर बने रहना, घट बढ़। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में वृद्धि होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल या न्यायपालिका। इसका आंसर होगा न्यायपालिका। हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था, प्रशासनिक सुधार, निर्वाचन संबंधी सुधार, वित्तीय सुधार, केंद्र राज्य संबंध। तो इसका जवाब हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित में से क्या है, ईंधन में उत्प्रेरक, प्रति ऑक्सीकारक, अपचायक या अपस्फोट रोधी यौगिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपस्फोट रोधी यौगिक। अब अगला प्रश्न, ओम्बड्समैन संस्था की शुरुआत हुई ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्वीडन से या संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों, ओम्बड्समैन संस्था की शुरुआत हुई थी स्वीडन से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या संघ लोक सेवा आयोग। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया, 1909, 1919, 1915 या 1935। सही ऑप्शन है ए, 1909। अब अगला प्रश्न दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु है जो बनती है जस्ता और गंधक से, जस्ता और मैग्नीशियम से, जस्ता और तांबे से, तांबा और गंधक से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्ता और तांबे से। अब अगला प्रश्न है, फेरल नियम किसके संबंध में है, पर्वत के दोनों पार्श्वों का दाबांतर,
तट के आर पार ताप प्रवणता, समुद्र में धाराओं की प्रवाह या गोलार्ध में पवन के वेग की दिशा? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोलार्ध में पवन के वेग की दिशा। अब अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? ऑप्शन है कमला, गंडक, यमुना या घाघरा। तो दोस्तों त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। अब अगला प्रश्न दोस्तों, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। सही आंसर होगा औरंगजेब, ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन राजवंशों में काल क्रमानुसार है खिलजी, गुलाम, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोधी, सैयद। गुलाम, सैयद, लोधी, तुगलक, खिलजी या गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अब अगला प्रश्न, यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण का माप होगा? 105 डिग्री, 115 डिग्री, 75 डिग्री या 125 डिग्री। इसका सही उत्तर होगा 105 डिग्री, ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न, 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो बताएं कि 7वीं संख्या क्या है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 49। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित किरणों में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? रेडियो तरंगे, पराबैंगनी किरणे, अवरक्त किरणे, सूक्ष्म तरंगे। इसका सही आंसर है पराबैंगनी किरणे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन है 51A, 65B, 49 या 220। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 51A में। अगला प्रश्न, भूमध्य सागर कहाँ स्थित है? अफ्रीका और यूरोप के बीच, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच, यूके और फ्रांस के बीच, चीन और जापान के बीच। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अफ्रीका और यूरोप के बीच। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय गणना करने वाली संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सही जवाब है ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब अगला प्रश्न, टेलीग्राफ पठार कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में? सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक महासागर में।
ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा वाद्य आधुनिक है? तबला, भेरी, दुंदुभी, पखावज। इसका सही उत्तर है तबला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या खो खो। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट। अब अगला प्रश्न दोस्तों, आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, सोवियत रूस में, सिंगापुर में या संयुक्त अरब अमीरात में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। अब अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब से प्रदान किया गया है? 31 अगस्त 2019 से, 30 सितंबर 2019 से, 1 अक्टूबर 2019 से या 31 अक्टूबर 2019 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर 2019 से। अब अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन का लेखा या लेखे नहीं रखे जाते हैं? रक्षा लेखे, रेलवे के लेखे, निजी कंपनियों के लेखे, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन में या उदर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क के आधार में। अब अगला प्रश्न, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों की त्वरण की अपेक्षा कम है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है, ध्रुवों पर त्वरण के बराबर है या यह पृथ्वी के अभिकेंद्रीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।